Hello students, how are you all? I hope you all are fine at home. Students, this video is related to second part of block 10, safety rules. Today our activity is safety rules in school, and our aim is to identify safety rules for school. School ke liye safety rules ko pehchanna. And keywords are school, desk, chair, stairs, classroom, corridor, and push. First, we will read page number 64 and 65. Okay, students, let's start reading with me. Safety rules at school. School mein safety rules. जैसे घर में सेफ्टी रूल्स फॉलो करते हैं, इसी तरीके से स्कूल में भी सेफ्टी रूल्स फॉलो करते हैं. वी नीड टू फॉलो सेफ्टी रूल्स एट स्कूल. हमें स्कूल में भी सेफ्टी रूल्स को फॉलो करने की जरूरत होती है. वी शुड नॉट पुश और हिट ईच अदर इन स्कूल. हमें स्कूल में किसी को भी पुश और हिट नहीं करना चाहिए. यस. Do not take your arm out of the bus window. हमें बस विंडो से आर्म को बाहर नहीं निकालना चाहिए. Do not run on the stairs. हमें स्टेयर्स पर दौड़ना नहीं चाहिए. If you get hurt, यदि आपको चोट लगती है, क्या करना चाहिए बच्चों? Tell your teachers immediately. हमें टीचर्स को तुरंत बताना चाहिए. Yes. So students, should we have safety rules for school? And why should we have safety rules for school? Yes, many times we get hurt in school. It is mostly because of our own carelessness. Yes, therefore it is important to follow safety rules in school. Yes, बहुत बार हमें स्कूल में चोट लग जाती है. Yes, ये हमारी लापरवाही के कारण होता है, जिसके लिए हमें कुछ सेफ्टी रूल्स फॉलो करने चाहिए. नाउ टेल मी, व्हाट रूल्स शुड वी फॉलो इन क्लासरूम फॉर सेफ्टी? टेल मी स्टूडेंट्स. यस स्टूडेंट, रूल नंबर 1, डू नॉट स्टैंड ऑन डेस्क. हमें डेस्क पर खड़े होना नहीं चाहिए. अगर हम डेस्क पर खड़े होंगे, नीचे गिर सकते हैं, जिससे हमें चोट लग सकती है. Rule number 2. Never jump on desks and chairs. Yes. Rule number 3. Do not fight with others. Rule number 4. Do not run in the classroom. Rule number 5. Do not run in the corridors or stairs. ये सारे rules आपको याद रखने हैं. Rule number 6. Do not push each other. Rule number 7. जब हम प्लेग्राउंड में खेलते हैं, तब हमें कौन सा रूल याद रखना चाहिए? Never throw things at each other. हमें एक दूसरे के ऊपर थिंग्स नहीं फेंकनी चाहिए. रूल नंबर 8. We should play with rubber ball. Yes, students. रूल नंबर 9. While traveling in a school bus. जब हम स्कूल बस में ट्रेवल करते हैं, कौन सा रूल याद रखना चाहिए? We should never take our head और एनी अदर बॉडी पार्ट आउट ऑफ द बस विंडो. हमें बस विंडो से बाहर कोई भी पार्ट, अपना बॉडी पार्ट नहीं निकालना चाहिए. जैसे आर्म, हेड, इनको बिल्कुल भी नहीं निकालना चाहिए. सो टुडे इज आवर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. यस, आवर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इज व्हाट शुड यू डू इफ यू गेट हर्ट इन स्कूल. यदि स्कूल में आपको चोट लग जाती है, आपको क्या करना चाहिए बच्चों? We should immediately inform our teachers. Yes, हमें तुरंत हमारे टीचर्स को इन्फॉर्म करना चाहिए. So students, we as friends should keep in mind that if our friend gets hurt, यदि हमारे फ्रेंड को चोट लग जाती है, we should inform the teachers immediately. Yes, and we should not panic. Also, give strength to the one who has got hurt. और जिसको चोट लगी है, उसको हिम्मत देनी चाहिए. उसको बोलना चाहिए वी शुड नॉट पैनिक.
हमें घबराना नहीं चाहिए एंड वी शुड इमीडिएटली इंफॉर्म आवर टीचर्स, हमें हमारे टीचर्स को तुरंत बताना चाहिए. यस स्टूडेंट्स, सो इन टुडेस क्लास यू विल डू S2 एक्टिविटी. आई होप यू ऑल हैव एंजॉयड दिस वीडियो. यस स्टूडेंट्स, दीज रूल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन स्कूल, सो कीप इन माइंड. थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट. बाय बाय.